subject to correction. Ayes 131. Noes 102. The motion is adopted and the bill is passed. नमस्कार, आप देख रहे हैं एएचडी न्यूज और मैं हूं रोहित पटवाला आपके साथ। दिल्ली सेवा बिल को लोकसभा में मंजूरी दे दी गई थी वीरवार को और कल इसे राज्यसभा में भी पास कर दिया गया है। दिल्ली सेवा बिल के पक्ष में जहां 131 वोट डले, वहीं इसके विपक्ष में 102 वोट डले। इस वजह से दिल्ली सेवा बिल को अब राज्यसभा में पास कर दिया है और इस बिल पर सिर्फ राष्ट्रपति की मुहर लगनी बाकी है। जैसे ही इस पर राष्ट्रपति की मुहर लग जाती है, इस बिल को कानून बना दिया जाएगा। आखिर दिल्ली सेवा बिल है क्या? क्यों केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार के बीच इस बिल को लेकर बहस छिड़ी हुई है? क्या कुछ इस बिल में है और क्यों इस बिल का विरोध इतनी जोरों शोरों से जारी है? इन सबके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि दिल्ली सेवा बिल है क्या। दरअसल 1991 में कैपिटल टेरिटरी घोषित किया गया दिल्ली को और उसी वक्त कैपिटल टेरिटरी एक्ट भी लागू किया गया। इसमें यह था कि जो भी सरकार केंद्र में होगी वही फैसला लेगी कि कौन किस पद पे रहेगा, किसकी नियुक्ति करनी है, किसको निकालना है, किसका ट्रांसफर करना है। जितनी भी सरकारी नौकरी और सरकारी अफसरों से रिलेटेड जो भी फैसले लिए जाएंगे वो केंद्र सरकार की तरफ से और उपराज्यपाल की तरफ से लिए जाएंगे, ना कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तरफ से। इसी एक्ट को चुनौती देने के लिए केजरीवाल सरकार ने, यानी अरविंद केजरीवाल ने, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये जितने भी फैसले होंगे वो दिल्ली सरकार के हाथों में रहेंगे, इसका केंद्र से या उपराज्यपाल से कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन उसी के बाद केंद्र सरकार अचानक से इसका अध्यादेश ले आती है और अध्यादेश लाने के बाद आपको उसको 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा और राज्यसभा में पास करवा के कानून बनाना पड़ता है, वरना वो अध्यादेश खत्म हो जाता है। इसी वजह से मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में पहले इसे पेश किया गया, वहां ये पास हुआ, उसके बाद अब ये राज्यसभा में पास हुआ। तो आइए जानते हैं कि अब केजरीवाल सरकार इसका विरोध क्यों कर रही है। केजरीवाल सरकार का कहना है कि ये जितने भी डिसीजन होने चाहिए, चाहे वो नियुक्ति से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रांसफर से रिलेटेड हो, ये सारे के सारे जो हैं उनकी सरकार के हाथ में होने चाहिए। लेकिन अब राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद ये कानून बन जाएगा और उसके बाद इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। वहीं केजरीवाल कई इस पर बयान दे रहे हैं, उनका कहना है कि दिल्ली के लोगों की आजादी कहीं ना कहीं पीएम मोदी छीन रहे हैं। आपका इस मामले में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए एएचडी न्यूज। धन्यवाद। We'll be right back.